जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको एक नया, यूं कहिए कि जो जानते नहीं उनके लिए नया, जो जानते हैं ये है उनके लिए पुराना भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ आपको खा करके बता करके दिखला करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपकी सेहत ख़राब हो, आप अपने आप से परेशान हो गए हैं, अपने पाचन क्रिया से परेशान हो गए हैं, आपको भारी भारी से लगता है, आलस लगता है, बहुत ही इरिटेटिव लगता है आपको, उदासी उदासी सा नकारात्मक भाव आपके अंदर से अगर आ रहा है, तो दोस्तों आप बिना पका हुआ, बिना गैस चूल्हे पे आग पे पका हुआ भोजन पदार्थ लीजिए और ऐसी हरियाली वातावरण में अपने सेहत लाभ लीजिए जहाँ सब कुछ हरा हरा हो। इस हरियाली से जो आपको ऊर्जा मिलेगी, प्रकृति का जो ऊर्जा मिलेगा, जो इससे शुद्ध हवा मिलेगा, दोस्तों इधर आप देखिए, अभी इस समय मैं अपने खेत का फला हुआ कुछ भिंडी तोड़ के लाया हूँ और कुछ ये भिंडी दिख रहा होगा आपको कि खाया हुआ है, खाया हुआ है। तो दोस्तों इन भिंडियों को, इस पे कोई कीटाणु ना हो, केमिकल ना हो, किसी तरह का कोई समस्या ना हो इसमें, इसे इसको देख लेना है ताज़ा है कि नहीं, इसमें कोई रोग तो नहीं है, इसको अच्छे से धुल लेना है और धुलने के बाद खास करके सुबह सुबह खाली पेट आप इसको खाना है। और खाने से पहले देख लेना है इसको कि ये बालक है कि नहीं, जो बालक है, जो पका हुआ नहीं है, जो कच्चा है, उसी को खाना है। और इसको देखने का तरीका ये है कि इसको आप यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है और इसको ऐसे तोड़ लेना है। ये टूट गया, अगर ये टूट जाता है तो ये खाने योग्य है, कच्चा है, खिच्चा है, बच्चा है, बालक है, इसको आप खा सकते हैं। और खाने योग्य नहीं है, अगर ये नहीं टूटता है तो समझिए कि आपको खाने में परेशानी प्रकट करेगा, परेशानी देगा और आप चबा नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, ये मतलब कि पुराना हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है। देखिए इसको ऐसे लेना है और इसको खाना है। अब आपको दिखा रहे हैं इसमें फ़ायदा क्या करेगा। ये लेडी फिंगर है, इसको भिंडी बोलते हैं, तरोई बोलते हैं। और ये देखिए इसमें इसमें जो ये लसलसा पदार्थ निकल रहा होगा, आपको शायद कैमरा में दिख नहीं रहा, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखने की कोशिश करिए आप, ये देखिए ये लसलसा, ये जेल, ये नेचुरल जेल है। जो लोग जेल लेते हैं, खरीदते हैं बाजार से, चेहरे पर लगाते हैं या खाते हैं जेलिए जेलिए भोजन, वो उसमें से ये प्रकृति के द्वारा दिया, प्रदान किया गया नेचुरल जेल है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो जेल है यही आपके शरीर में जाएगा। आप खाएंगे खाली एम्प्टी स्टोमैक, खाली पेट, तो आपको ये फ़ायदा करेगा, बहुत ज़बरदस्त फायदा करेगा। ये देखिए आप भी इसको लेना है, तोड़ लिया ऐसे खा लेना है। आपको देखना है कि इसमें कई कीड़े तो नहीं हैं, कई बार कीड़े होते हैं जो ख़राब रहता है, कीड़े रहते हैं, पर ये कीड़ा नहीं है। अब इसको आपको ऐसे डायरेक्ट या चाकू से काट लीजिए, चम्मच उठा खाइए, तो चाकू से काट देंगे, चम्मच उठाएंगे तो आप इसका जो जेल है वो धीरे धीरे इधर उधर बिखर जाएगा या हट जाएगा, कम फायदा करेगा। आपको सीधा अपने दांतों से इसको काटना है ऐसे और खाना है, चबा चबा करके लार में मिला मिला के धीरे धीरे इसको अंदर जेल को लेना है। और इसमें देखते भी रहना है यहाँ पे कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कीड़ा तो नहीं है। तो देखिए बिल्कुल वाइट है, सही है, बिल्कुल फ्रेश है, कोई कीड़ा नहीं है। हम इसको पूरा खाने खाएंगे तो इस तरह से बिल्कुल आपको सलाद की तरह, जैसे आप सलाद खाते हैं, प्याज खाते हैं, खीरा खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, तरबूज खाते हैं, कॉलीफ्लावर खाते हैं, बंद गोभी खाते हैं, टमाटर खाते हैं, मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह और उनसे ज़्यादा अच्छा, उनसे ज़्यादा बेहतर आपका ये सलाद का काम करेगा, ये अच्छा लगेगा खाने में। बिल्कुल इसका टेस्ट सही है, कोई भी मतलब ऐसा टेस्ट नहीं है जो आप ना खा सकें, बिल्कुल खाने में मज़ा आएगा आपको। तो आप इसको खाइए और जितना खा सकते हैं उतना खाइए, कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए अभी मैं इतना खा चुका हूँ और अभी इतना लिया हूँ। सामने देखिए उधर मेरा खेत है, जहाँ पे वो देखिए पीला पीला फूल दिख रहा है, वो भिंडी है, पीला पीला फूल, वो लेडी फिंगर फल रहा है, वहाँ से डायरेक्ट अभी ताज़ा तोड़ कर लाए हैं हम और इसको
ऐसे ही डायरेक्ट बिना उबाले हुए, बिना पकाए हुए, बिना भुने हुए, बिना तेल मसाला लगाए हुए मैं इसको खा रहा हूँ। और इसको अगर आपको थोड़ा सा स्वाद स्वाद और इसमें डालना है तो आप भी चाहें तो इसमें देखिए हमारी मैडम जो है, मेरी धर्म पत्नी जो है, इतना सारा तोड़ के लाई हैं और ये हमको इतना पूरा खाने के लिए बोल रही हैं। तो इतना पूरा तो नहीं खाया जा सकता, इसमें से कुछ ख़राब भी होगा, जैसे देखिए ये ख़राब है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा है जो आप नहीं खा पाएंगे। लेकिन आपको जो दिख रहा है इस तरह का चीज़, ये आप आराम से खा सकते हैं। ये देखिए ये जो टूट गया एकदम फ्रेश है, इसको आप खा सकते हैं। तो इस तरह से आप खाइए और अपने घर में जो बीमार हैं उनको खिलाइए, या जो सेहतमंद होना चाहते हैं उनको खिलाइए, जो स्वास्थ्य और सेहत के शौकीन हैं, जो सेहतमंद होना चाहते हैं, जो इस प्रकृति से डायरेक्ट 100% ऊर्जा लेना चाहते हैं, उनको ये हरे हरे चीज़ खाने के लिए बोलिए। और ये सिंगल ऐसे ही चीज़ नहीं है, इस ये भिंडी लेडी फिंगर ही नहीं है, आप प्रकृति से घर में खाने वाली चीज़ों में से खा सकते हैं। जैसे पुदीना, देखिए वहाँ पुदीना लगा हुआ है, पुदीना लगा हुआ है, पुदीना का पत्ता खा सकते हैं। ये सदाबहार लाल लाल फूल दिख रहा है आपको, ये सदाबहार का फूल है। इस सदाबहार का फूल हुआ या इसका पत्ता हुआ ये भी बहुत फायदेमंद है। लेकिन सदाबहार जो है कड़वा लगेगा, पुदीना का तो टेस्ट आपको पता ही है, लेकिन सदाबहार और ये जो फूल है ये आपको कड़वा लगेगा, तो आप इसको ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, एक पत्ती खा सकते हैं, दो पत्ती खा सकते हैं। दूर देखिए वहाँ पर गुलमोहर है, वहाँ पे दूर जो है गुड़हल का फूल है, तो गुड़हल का फूल भी आप मेरे किसी दूसरे वीडियो में देखे होंगे तो मैंने गुड़हल भी फूल भी खाया है, तो आप गुड़हल का फूल भी खा सकते हैं। और गुड़हल फूल के बगल में आपको गुलाब का फूल दिख रहा है, आप गुलाब का फूल भी खा सकते हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें, जैसे आपको केला हुआ, केला कच्चा तो नहीं खा सकते हैं लेकिन प्रकृति द्वारा डायरेक्ट पेड़ से पका हुआ केला खा सकते हैं। पीछे जामुन है, जामुन को आप डायरेक्ट खा सकते हैं पेड़ से लेकर के। नीम है, नीम का प्रोडक्ट जो है, नीम का पत्ती हुआ, नीम का छाल हुआ, नीम का प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, जो सेहत लाभ में बहुत ही फायदेमंद होगा। देखिए दोस्तों इधर फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, और जितना खाइए जल्दी ये दिक्कत नहीं होता है, बहुत मज़ा खाने में आता है और आराम है। इसको देखते रहिए, खाते रहिए, देखते रहिए, खाते रहिए। जितना भी भिंडी का, ये कोई से एलर्जी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान रखिए कि इसमें किसी तरह का कीटनाशक, किसी तरह का पेस्टिसाइड यूज नहीं किया गया है। यूज अगर किया गया है तो इसको ला करके अच्छे से धुल लें ठंडे पानी से, फ्रेश पानी से, और इसको बहुत मज़ा आएगा। आज मक्के का भुट्टा खा लीजिए, मक्के का भुट्टा खाइए। देखिए मक्के का भुट्टा आप बहुत ज़्यादा बिना पकाए हुए, बिना आग में पकाए हुए नहीं खा सकते हैं। इस तरह से गांव घर में और आपके घर के आसपास भी बहुत ऐसे चीज़ होंगे, पेड़ पौधे जो इसके फल हैं, फूल हैं, पेड़ है, पत्ती है, तना है, जो खाने योग्य होंगे आप उसको डायरेक्ट खाइए। डायरेक्ट खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। विज्ञान में, साइंस में आप पढ़े होंगे, नहीं तो आप मैं बता दूँ कि प्राकृतिक से पेड़ पौधे वनस्पति के रूप में जब आप लेते हैं भोज पदार्थ, तो आपको डायरेक्ट नेचुरल रूप में 100% आपको उससे एनर्जी मिल जाती है। लेकिन उसी पेड़ पौधे को अगर जानवर, पशु पक्षी खाते हैं और पशु पक्षी को फिर आप खाएंगे, तो उसका जो एनर्जी का लेवल है वो घट जाता है, यानी आपको 100% नहीं मिलेगा। प्राकृतिक से आप लेंगे तो जो भी विटामिन मिनरल या जो भी भोज पदार्थ का पौष्टिकता है वो आपको 100% मिलते हैं जब डायरेक्ट पेड़ पौधे से आप लेते हैं। और पेड़ पौधे से आप जानवर खाता है, फिर उस जानवर को आप खाते हैं, तो आपको वो एनर्जी के लेवल उससे घट करके मिलता है परसेंटेज में। वो कितना करके मिलता है ये आप गूगल कर सकते हैं और विज्ञान के पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। मैं मोटा मोटा आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति से जुड़े रहेंगे, प्रकृति से प्रेम करेंगे, पेड़ पौधे लगाइए, उसके पेड़ पौधों का फल लीजिए, खाइए, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा और फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। देखिए कितने मज़े से मैं इसको खा रहा हूँ।
कितना मजा आ रहा है। आह देखो यार, आपके दांत है, स्किन है, हड्डी है, बाल है, सारा ग्लो करेगा, चमक होगा, आंखों की रोशनी सही रहेगी, विटामिन ए मिलेगा, फिजा लसा एकदम मजा आ रहा है, पेट साफ रहेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, और इसी तरह खाते रहिए और सेहतमंद बने रहिए।